आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज बात करेंगे एक ऐसी जिंदगी से जो जिंदगी होते हुए भी जिंदगी नहीं मानी गई। आज बात करेंगे एक ऐसी जिंदगी से जिसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ये साबित करने में गुजर गया कि वो जिंदा है, जिसकी जिंदगी ये बताती है कि जिंदगी कैसे चलती रहती है जद्दोजहद के साथ भी। आज बात करेंगे एक ऐसी जिंदगी से जिसने न सिर्फ खुद के जिंदा रहने का सबूत दिया, बल्कि ये भी सबूत दिया कि जो जिंदा है वो जिंदा कैसे नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, उसूलों पे जहां आज आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हाँ, आज बात करेंगे लाल बिहारी मृतक से, जिन पर बनी फिल्म कागज हाल ही में रिलीज हुई। कागज कितना अहम हो जाता है जिंदगी के लिए, और कागज से ही कितनी परेशानी भी होती है जिंदगियों को। ये मायूसी की नहीं, ये कहानी है जिंदगी की। तो आइए इस्तकबाल कीजिए मृतक संघ के प्रेसिडेंट लाल बिहारी मृतक से, मृतक जी से, और साथ ही वैक्सीनेशन पर भी बात करेंगे हेल्थ स्पेशलिस्ट इम्यूनाइजेशन यूनिसेफ डॉक्टर भृगु कपूरिया से, और मेरे साथ ही हैदराबाद से जुड़ रहे हैं अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। लाल बिहारी जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप जिंदा होते हुए भी मृतक कैसे हो गए, क्या कहानी है? जिंदा होते हुए कैसे मृतक हो गया, ये तो भाई सरकार का खेल है। मेरा जन्म 6 मई 1955 में हुआ था, और 30/7/1976 को न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिया था, और अपने जिंदा होने के लिए मैं संघर्ष का यात्रा शुरू किया। तो लंबे समय तक, लगभग 18 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद 30 जून 1994 को पुनः जिंदा हो गया। इस बीच में मुझे इतना समस्या से जूझना पड़ा कि घर में भुखमरी हो गई, पागलों के तरसे हो गया। मैं अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमें इलाहाबाद से 1988 में। मैं अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री के विरुद्ध चुनाव लड़ा 1989 में अमेठी सुल्तानपुर से। मैं अपने जिंदा होने के लिए 9 सितंबर 1986 में विधानसभा में पर्चा फेंक कर हंगामा किया अपने जिंदा होने के लिए। मैं अपने जिंदा होने के लिए अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन का फार्म भरा और दौड़ाता रहा, लेकिन जिंदा नहीं हो पाया। मैं अपने जिंदा होने के लिए अपने चचेरे भाई का अपहरण किया, फिर भी नहीं जिंदा हो पाया। मैं अपने जिंदा होने के लिए धरना प्रदर्शन किया, अपने जिंदा होने के लिए अनेक ऐसे संघर्ष करता रहा, लेकिन सरकार मुझे जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक मृतक संघ के तत्वाधान में संघर्ष करता रहा, और मुख्य रूप से मेरा सहयोग मीडिया करती रही, और लगभग 18 वर्ष के बाद सरकार को जिंदा करना पड़ा। मेरे साथ साथ कई हजार लोग जिंदा हुए हैं। मान लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक आदेशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच किया, तो अधिक संख्या में लोग जीवित आदमी व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया, तो उनको भी जिंदा कराया गया। लाल बिहारी जी, ये गफलत कैसे हुई थी आखिर? कुछ पेपर्स कहीं जमा करने थे, आप नहीं जमा कर पाए, या फिर सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही रही कि आपको मृतक घोषित कर दिया गया? देखिए, सरकार का खेल है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं यही सब कुछ होते हैं। इंसान को जिंदा से मुर्दा कर दें, मुर्दा से जिंदा कर दें, उस जब तक अभिलेख में दुरुस्त नहीं होगा तब तक वो आदमी अपने आप को साक्ष नहीं हो पाएगा। यदि लेखपाल अपने अभिलेख में किसी ऊंट को इंसान लिख दिया तो इंसान रहेगा, ऊंट नहीं रहेगा। और उसको सिद्ध करने के लिए एक तहसील से शुरुआत करिए, तहसील, चकबंदी, जिला अधिकारी, कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आदमी को लड़ना पड़ता है, तब तक पता चलता है कि आदमी सिद्ध करते करते ओरिजिनल मर गया। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है।
मैं तो मानता हूं कि एक राज्यपाल से ज्यादा अधिकार एक लेखपाल का होता है, और इसके अभिलेख में जो आदमी मृत घोषित कर दिया जा उसका नाम। साथ ही साथ एक नया वेरिएंट भी आ गया, लगातार हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी ये कहा जा रहा है कि वो 60 देशों में फैल चुका है। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक तो एक तरफ तो वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इंडिया अपने पड़ोसियों की मदद भी कर रहा है, 6 देशों को वैक्सीन दी भी जा रही है, और इसी बीच ये बुरी खबर कि 60 देशों में जो नया वेरिएंट है वो आ गया है, अब फिर से एक बार लड़ाई नहीं शुरू हो रही है उसके वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, ये भी खबर हमने देखा अखबारों में, और पूरे यूरोपियन कंट्रीज में हाहाकार मचा हुआ है। तो क्या सचमुच ऐसे हालात हैं कि अब एक बार फिर से नए वैक्सीन की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, जहां तक अभी जितनी चीजें इंफॉर्मेशन सारी बताई गई हैं, ये वैक्सीन ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही हैं, म्यूटेशन वायरस के अंदर होता रहता है। वायरस अपने आप के अंदर हरदम एक म्यूटेशन कैटेगरी में चलता है, और इन म्यूटेशन के खिलाफ जब हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो इस वैक्सीन के थ्रू डेवलप होगी, वो हमको ऐसे इन वायरस के सारे तरीके की म्यूटेशन से लड़ने में मदद करेगी। तो अभी इस म्यूटेशन की चिंता हमारे को ज्यादा नहीं है, हमको चिंता सबसे पहले ये है कि हमारे लोग जो हैं उनके अंदर वैक्सीन के थ्रू इस वायरस से लड़ने की ताकत बनी रहे, और इसलिए इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो जितने जितना ज्यादा और जितना ज्यादा पहुंचाया जा सके वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। जी डॉक्टर भृगु, लेकिन वहां जैसे यूके से इस स्ट्रेन को सबसे पहले वहां पर डायग्नोस किया गया था कि ये एक नया वेरिएंट है, जिस तरीके से फैला है, तो फिर वहां तो ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वहां दी जा रही थी, उधर फाइजर की अमेरिका और उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें दी जा रही थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि वो जो वैक्सीन है वो न्यू वेरिएंट्स का मुकाबला करने के लिए उनमें कैपेसिटी है, लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ कि ये खबरें आ रही कि वो फिर से कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसी को ट्विक कर रहे हैं, या फिर कुछ नया खोज रहे हैं? सर देखिए, जहां तक बात है कि यूके के अंदर चाहे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हो चाहे मोडर्ना वैक्सीन यूएस के अंदर हो, ये वैक्सीन अभी वहां पे शुरुआत हुई है, बहुत ही थोड़े लोगों को वैक्सीन दी गई है, तो अभी तक वैक्सीन की पहुंच ही इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वैक्सीन बचा सके। और वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हरदम चलती रहती है, अगर आप कोई सी भी वैक्सीन देखेंगे तो वैक्सीन के अंदर फर्दर डेवलपमेंट फर्दर इंप्रोवाइजेशन हरदम चलता रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आज की तारीख में हमारे पास वैक्सीन हैं वो निष्फल हो गई हैं या वो काम नहीं कर सकती हैं। ये वैक्सीन ऑलरेडी हमारे को प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए बहुत क्लियरली सपोर्ट करती हैं। तो क्योंकि जो अभी यूके या यूएस के अंदर खुद के अंदर वैक्सीनेशन जितना हुआ है, अगर आप देखेंगे पहले दिन के अंदर जितना वैक्सीनेशन हम लोगों के यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, उतना वैक्सीनेशन वहां पे देशों के अंदर हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन से नहीं हुआ था, और सब जगह अभी वैक्सीनेशन बिल्कुल एकदम शुरुआत रूप पे है, और जहां पे सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी जनरल पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा वैक्सीनेशन ज्यादा जगहों पे आगे बढ़ाई नहीं गई है। जी डॉक्टर भृगु, आपने वैक्सीनेशन की बात कही, तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो कोरोना के एक्टिव केसेस है क्या उन्हें वैक्सीन लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं उनको अभी जब तक वो कोरोना से ठीक नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि एक्टिव केसेस को अगर आप कहीं पे भी लाएंगे सत्र पे लाएंगे या कोई चीज करेंगे तो पहले तो एक्टिव केसेस को जो अभी चल रहे हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें भी वैक्सीन लगेगा। जी तो अभी जैसा अभी तरुण ने पूछा कि किसको नहीं लगेगा, अब अभी एक जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो भारत बायोटेक ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया था और बताया था कि किसको किसको वैक्सीन नहीं लगेगी। अभी कोविशील्ड की तरफ से भी एक लिस्ट जारी की गई जिसमें वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, और कहा गया है कि इनमें से किसी को अगर रिएक्शन होता है इनके एलिमेंट्स से तो वो इसको नहीं लें। तो क्या हर एक आदमी को तो पता होगा नहीं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके कंपोजिशन में, बिल्कुल किससे क्या किसको रिएक्शन हो रहा है इसकी जानकारी लोग कैसे लेंगे? देखिए, इसका एक सिंपल सा तरीका ये है, आप कॉम्पोजिशन अगर मैं आपको कॉम्पोजिशन की लिस्ट बता भी दूंगा तो भी आपको ये नहीं पता लगेगा कि इस कॉम्पोजिशन से आपको कभी, तो एक आम आदमी के लिए सिंपल सा चीज ये है कि अगर आपको पहले कभी कोई वैक्सीन लगी है और अगर आपको उस वैक्सीन लगने के बाद में कहीं कोई एलर्जी रिएक्शन हुआ है या कोई चीज हुई है जिसे आपको कोई भी रिएक्शन हुआ है तो वो इंडिकेट करता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी चीज हुई है तो उस चीज को अपने डॉक्टर से सलाह लेके और बात करनी है, अगर वो एक इंडिकेशन है कि आपको वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा और कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट जानने के लिए और उसको करने के लिए वो आपका वो एक आम आदमी उस तरीके से नहीं जा पाएगा, तो इसलिए एक साधारण सा मापदंड यह है
कि अगर आपको पहले कभी भी कोई वैक्सीन लगी और उसके कारण कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है जहां पे आपको अपनी जी। इसीलिए डॉक्टर साहब इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी वो लिस्ट उसके कंपोजिशन और उसके एलिमेंट्स की जारी भी कर दे तो एक आम आदमी को उससे क्या पता चलने वाला है कि क्या क्या इसमें से कौन सा सब्सटेंस रिएक्ट करता है। वैसे रिएक्शन के कैटेगरी में आप रखते किन किन चीजों को है जिस पर चिंता हो लोगों को, क्योंकि हमने तो देखा है बचपन से हम लोग ये वैक्सीन लेते रहे, कभी हल्का सा फीवर आ ही जाता है और वैक्सीनेशन की जगह पर थोड़ी सूजन हो जाती है, कभी कभी रैशेज भी आ जाते हैं, इसको कभी इतनी चिंताजनक चीजों में शामिल नहीं किया गया। तो अभी रिएक्शंस की कैटेगरी में आप क्या रखेंगे जिसको देखकर लोगों को रहे कि हाँ मुझको सावधान होना है, मुझको किसी मेडिक से कॉन्टेक्ट करना है। देखिए अगर आपको कभी भी कोई वैक्सीन लगी, जो आपने बातें बिल्कुल एकदम सही बात बोली कि वैक्सीन लगने के पास में हल्का सा बुखार आ जाना, सूजन हो जाना या दर्द हो जाना, ये वो रिएक्शंस नहीं है, ये एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है, ये एक वैक्सीन लगने का प्रोसेस है जिसके साथ में अगर आप पैरासीटामोल की एक गोली लेते हैं या बच्चों के नरम सिरप देते हैं जिससे ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शन एक अलग तरीके का होता है जहां पे शरीर के अंदर दाने पड़ने शुरू हो जाते हैं, खुजली शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, या उसके कारण एक एलर्जी का रिएक्शन शुरू होता है, वही एक इंडिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं कि शरीर के अंदर उच्च रक्तचाप एकदम लगाने के बाद में हो जाए, कुछ ये सारे रिएक्शंस जिन्हें हम लेते हैं एलर्जी के डोमेन के अंदर। बुखार, सूजन, दर्द ये वो रिएक्शंस नहीं है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, ये एक नॉर्मल चीज है जो एक वैक्सीन लगने के बाद में होती है। तो अगर आप हल्के बुखार की बात करते हैं, सूजन की बात करते हैं, या जहां पे इंजेक्शन लगा वहां हल्के दर्द की बात करते हैं, ये सारे वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है जी। यानी कि ये जो रिएक्शंस हैं ये बहुत मामूली हैं, और अगर आपको मामूली कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भृगु, इस वैक्सीनेशन से प्रेग्नेंट औरतों को बाहर रखा गया है, तो क्या ये वैक्सीन उनके लिए सेफ नहीं है या फिर उन पर अभी ट्रायल हुआ ही नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये एक आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा। इस प्रेगनेंसी एक बहुत स्पेशल अवस्था है जिसके अंदर किस तरीके से कोई भी चीज जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको कैसे रिएक्ट करेगी या क्या इंपैक्ट करेगी उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडीज होती हैं, और क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको इन वैक्सीनेशन से अभी दूर रखा गया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके बाद आपके पास एक बार फिर से। लाल बिहारी जी, अब तो आपकी पूरी जो भुगता आपने 18 सालों में उसको बयान करते हुए एक कहानी भी आ रही है, तो क्या आपकी कहानी के लिए फिल्म निर्माताओं ने आपसे संपर्क किया था या आपके पास उसके डिटेल्स जानने के लिए आए थे या फिर उन्होंने अखबारों से जानकारी हासिल कर इस पर फिल्म बनाई है? तरन्नुम, अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है लाल बिहारी जी तक। जी लगता है लाल बिहारी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर भृगु, जैसे लिस्ट तो जो वैक्सीन की कंपनियां हैं चाहे कोविशील्ड हो या फिर भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उन्होंने अपने अपने लेवल पे लिस्ट तो जारी कर दी है कि किसे वैक्सीन लगवानी है और किसे नहीं लगवानी है, लेकिन जो बहुत आम लोग हैं जो पता नहीं लगा सकते कि किसे वैक्सीन लगानी है किसे नहीं लगानी है, तो कैसे पता लगाएंगे, क्या तरीका होना चाहिए इसका? देखिए इस टाइम पे जो भारत के अंदर वैक्सीनेशन लगने का प्रोसेस है वो फेज वाइज चल रहा है, और एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा ये डिटरमाइन किया गया कि सबसे ज्यादा सबसे पहले वैक्सीन को कहां लगाया जाए, किनको लगाया जाए, और उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी है, तो इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को इस टाइम पे डॉक्टर्स नर्सेज एएनएम उनको लगाई जा रही है वैक्सीन। इसके बाद का जो दूसरा है जिन्हें हम बोलते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो हमारे पूरे देश के सिस्टम्स को मेंटेन करने के अंदर पब्लिक के अंदर काम रहती हैं, जिसमें हमारे होमगार्ड्स हैं, फोर्सेस हैं, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल, और इनकी लिस्टें ऑलरेडी सरकार ने जारी की हैं और इनका डेटाबेस ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है। तीसरा जो ग्रुप जो है इसके बाद में जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है वो लोग हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, तो 50 साल से ऊपर वाले सारे लोगों को तीसरे फेज के अंदर या तीसरे चरण के अंदर किया जा रहा है ताकि वैक्सीन सबसे पहले उन तक पहुंच सके जहां पे कोविड किसी भी तरीके की रिस्क कोविड का सबसे ज्यादा है। जी डॉक्टर साहब, पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा कि बहुत तेजी से वैसे लोगों की तादाद कम हुई है जो इन्फेक्ट हुए हों कोरोना वायरस से, तो क्या ये मानकर चले कि वैक्सीनेशन तो चली रही इसके साथ साथ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं?
देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कई सारे यूरोपियन देश भी ऐसे हैं जिन्होंने एक बारी इस तरीके का डिप देखा था। ये हमारे लिए एक सबसे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम का है, जब इस टाइम पे हमारे पास कोविड के केसेस कम हो रहे हैं और इसी टाइम के अंदर अगर हम वैक्सीनेशन लगा के अपनी पूरे समाज को ऊपर एक इम्यून लेवल ऊपर कर सकें, तो अगर किसी भी तरीके की कोई अगर कोविड के अंदर चेंज आती है, कोई वेव आती है, कोई भी इन्फेक्शन बढ़ने का आता है, तो हमारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ी रखी हो। इस तरीके के डाउन ट्रेंड्स और अप ट्रेंड्स आपने कई सारे यूरोपियन देशों के अंदर पहले भी देखे होंगे, जो उनके चाहे वो आप इटली को देख सकते हैं, चाहे वो दूसरे देशों को देख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि कोविड खत्म हो गया और इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि जहां पे हम एक तरफ कोविड को कंट्रोल कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको इतना बढ़ा दें ताकि अगर कोई भी वापस वायरस किसी भी तरीके से आता है तो हमारा देश जो है और लोग जो हैं उसके साथ लड़ सकें। जी बिल्कुल तरन्नुम, ये लाल बिहारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लाल बिहारी जी, आपसे सवाल ये था कि अब तो जो उन 18 सालों में आपने भुगता, जब आपकी जद्दोजहद चल रही थी खुद को जिंदा साबित करने की, उस पर एक फिल्म भी आ चुकी है, तो क्या फिल्म के निर्माताओं ने आपसे संपर्क किया था, आपकी स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी आपसे ली, या फिर अखबारों से जानकारी जो उन्होंने इकट्ठा की उसको लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है? फिल्म बनाए, हमसे संपर्क किए थे, लेकिन फिल्म वाले बड़े धोखेबाज होते हैं। फिल्म तो मुझसे बनाने के लिए 2003 में मिले थे, हमारे यहाँ के जिले के हैं इम्तियाज हुसैन, वो फिल्म राइटर थे, वो सतीश कौशिक से संपर्क करके लाए, फिल्म का सिलसिला चलता रहा, इधर 18 में आकर फिल्म बनाए। लेकिन ये मुझे तो फिल्म के साथ साथ मुझको पुनर्मृत घोषित कर दिया गया है। सतीश कौशिक ने सारे अधिकार मेरे ले लिए हैं और लड़ाई मैं लड़ता रहूं, जिंदा मुर्दा का संघर्ष मैं करता रहूं और जितने मेरे अधिकार हो सतीश कौशिक ले लिए। तो ये बहुत दुखद बात। यही नहीं, फिल्म में तो राष्ट्रद्रोह का नारा लगा है, ये उसमें लगाया गया है, न्यायपालिका स्वाहा, विधानसभा स्वाहा और अछूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो फिल्म तो बनी है लेकिन फिल्म से मैं संतुष्ट नहीं हूं। फिल्म में एक मतलब राष्ट्र का अपमान किया है, एक संप्रदाय का अपमान किया गया है, एक घातक चीज है। और मैं तो एक किसान मजदूर का बेटा हूं, मुझको वहां बैंड बाजा वाला बनाया गया है, तो इस तरह से तमाम खामियां हैं फिल्म में। तो फिल्म के विषय में क्या कहा जाए? जो फिल्म वाले हैं वो अपने पैसे के लिए करते हैं, जनता का दूसरे का मतलब अधिकार। लेकिन आपने कहा कि सतीश कौशिक ने आपके सारे अधिकार ले लिए, तो क्या आपने कुछ पेपर्स भी साइन किए? अधिकार कौन सा अधिकार, किन की बात कर रहे हैं आप जिन्होंने? ऐसा है, मुझसे साइन तो मुझसे करा लिए, मैं इतना उनके पे विश्वास, हम लोग गांव वाले बड़े विश्वास रखते हैं ना, जिससे संपर्क हो जाता वो अपने अपने भाई की तरह से उनको मानते हैं, वो अपना लिखा लिए। लिखाने के बाद जब इधर फिल्म बन गई है तब मैं कहा हूं कि भाई मुझे फिल्म दिखा दीजिए, तो रफ तो एक बार दिखाए थे, फिर उसके बाद मैं कई बार कहा कि कहानी मुझे पढ़कर सुना दीजिए, सुना देंगे, नहीं सुनाए, फिल्म भी रिलीज कर लिए। तो इस तरह से हमारा उनका बात हुआ था और हमसे एग्रीमेंट कराए हैं, लेकिन एग्रीमेंट क्या क्या कराए हैं बहुत, वो मतलब वो फिल्म की जो कहानी है उसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट को मांगा गया है कि भाई आप दे दिए, तब जाके ये एक भेद खुला है। और हम सतीश कौशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भी कर दिए हैं, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ थाना मुबारकपुर को दे दिया गया है। अब भविष्य में देखना है कि कैसे हमको न्याय मिलता। हम तो ये समझ रहे हैं कि पुनः एक बार तो सरकार ने हमको मृत घोषित किया 18 साल संघर्ष करने के बाद, तो किसी तरह से अभिलेख में जिंदा हो पाए। लेकिन अब देख रहे हैं कि सतीश कौशिक, सलमान खान, लाल बिहारी जी, कई बार ऐसा होता है कि कहानियों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, ये दूसरी बात है। अभी हम आपकी जिंदगी की बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कागजों में तो जिंदा हो गए लेकिन फिर भी आपने अपने नाम आगे से मृतक शब्द नहीं हटाया, क्यों? देखिए, मृतक शब्द इसलिए नहीं हटाए कि अभी हमारा केस जो चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में, हाई कोर्ट में, अभी 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानी का दावा चल रहा है, उसमें अभी चल रहा है। और फिर मैं अपने नाम के साथ मृतक टाइटल भी जोड़ लिया हूं, तो अब ये नाम कहाँ खत्म होगा? मैं पहले लिखता था मृतक लाल बिहारी मृतक, उसके बाद जब टाइटल हो गई
तो लाल बिहारी मृतक हो गया, तो हर जगह मेरा नाम लाल बिहारी मृतक है, स्टेट बैंक हो या आधार कार्ड हो या वो क्या नाम है पासपोर्ट हो, सब में लाल बिहारी मृतक है, तो मृतक मेरी टाइटल हो गई है। अच्छा, जब शुरू में अपने आपने अपने नाम के साथ मृतक शब्द जोड़ा तो क्या लोग हंसते भी थे सुनकर पहली बार? भाई मैं तो मृतक मजबूरन जोड़ा, मुझको भूत शैतान मृतक मरहूम कहते थे, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने नाम के साथ मृतक मृतक टाइटल इसलिए मैं जोड़ा हूँ कि मेरी मेरा नाम जब लोग सुनेंगे लेंगे तो अपने आप को शर्माएंगे, मानवता के प्रति झुकेंगे, न्याय के प्रति झुकेंगे, इसलिए मैं मृतक संघ बनाया और अपने नाम के साथ मृतक जोड़ा। मैं कोई शौक नहीं थी कि मैं अपने नाम के साथ जोड़ लूं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि ये एक दिन हो जाएगा कि ये हमारी टाइटल हो जाएगी। लाल बिहारी जी, जब ये पूरा वाक्य शुरू हुआ उसके बाद से आपको तो खैर बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा इसको लेकर, बाकी परिवार के सदस्यों पर इसका क्या असर पड़ा? परिवार के सदस्यों की क्या बताएं, परिवार तो भुखमरी का शिकार हो गए थे, औरत कैसे भूखे रहती थी, कैसे झेलती थी, क्या क्या होता था, यही नहीं हमारे साथ अब क्या हम लोगों का नसीब ही खराब था कि 18 साल हमारे बाल बच्चे भी नहीं हुए थे बीच में, एक तरफ हमको सरकार ने मृतक घोषित किया था, दूसरे तरफ हम निसंतान कहलाते थे, को बांझ बाजी लोग कहते थे, तो ये बहुत दुखद घटना है जो हमारे परिवार की घटना है, पत्नी की मुसीबत है, हमारे साथ मुसीबत है, हमारे बच्चे 18 साल शादी के 18 साल बाद हमारे बच्चे हुए हैं, तो ये कहने का मतलब पारिवारिक समस्या तो बहुत झूले, लड़कों को पढ़ाई है लिखाई है, कोई जमीन अमीरों की जमीन मुबारकपुर जो थी इसको बेचकर मैं लड़ता रहा, और जहां मेरा जन्मभूमि ग्राम खलीलाबाद संजरपुर जिला आजमगढ़, वहां समझ जाइए कि मुझको 5 लाख की आज जमीन मिली, वो मेरे नाम मिल गई है, लेकिन अमीरों की जमीन लगभग 5 करोड़ से ज्यादा बिक चुकी है, तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ा कैसे लड़ा जा, न्याय की लड़ाई के लिए आदमी बर्बाद हो जाता है, मेरी लगभग इस समय 65 उम्र हो गई है, अब तो मेरी कहानी सब खत्म हो चुकी है, लेकिन न्याय के लिए कैसे आदमी लड़ेगा, मेरे ऐसा कोई पागल रहेगा तभी तो लड़ेगा, बर्बाद होगा तभी लड़ेगा, मेरे परिवार के लोग मुझको पागल कहते हैं, पत्नी पागल कहती है, बच्चे पागल कहते हैं, कहें कि आपने क्या बनाया हम लोगों के लिए, तो ये कैसे समाज से लड़ा जाए, कैसे इस देश से लड़ा, कैसे यहाँ के घुसखोर जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे कैसे संघर्ष किया जाए, ये तो मैं बहुत इसमें लाल बिहारी ये तो दुखी रहता हूं। कहते हैं कि ऐसे 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 मामलों में मीडिया हो या फिर फिल्में हो ये बहुत ही अहम भूमिका अदा करती हैं, आपके नाम और पूरे इस वाक्य पर तो फिल्म भी बन चुकी है, तो क्या फिल्म में इन बातों को नहीं उठाया गया है, और साथ ही साथ एक और बात, क्या आपको फिल्म निर्माताओं की तरफ से कुछ पैसे का भी वादा किया गया था, कुछ ऐसी डील हुई थी? नहीं नहीं, पैसे का वादा किया गया था ये तो बात सही है कि पैसे का लेन देन कुछ हुआ है, लेकिन अब तो हमारे उनके बीच में सतीश कौशिक और हमारे उनके बीच में बात है कि वो क्या देने वाले थे, हम क्या लेने वाले थे, क्या दिए क्या नहीं दिए, लेकिन सबसे बड़ा ये समस्या है कि जब हमारा पूरा अधिकार ही छीन लिया गया है तो क्या करेंगे हम, हमारे बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम अगर यदि मर गए तो हमारी कहानी का लाभ दूसरा कोई लेगा, हमारे संघर्ष का लाभ दूसरा कोई लेगा, तो ये तो एक और मानव अधिकार का हनन हो गया, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ये जीते जी किसी आदमी का अधिकार छीन लेना ये तो महापाप है, जैसे हमारे साथ वो सरकार की तंत्र ने किया, लेखपाल कांगो अधिकारी कर्मचारी किए, वही तो हमारे साथ फिर दोबारा कर दिए सतीश कौशिक, फिल्म वाले सलमान खान, ये लोग मतलब जिसकी कहानी पर बनाते हैं उनसे मिलते भी नहीं, उनसे सुनते भी नहीं उनकी समस्या, और असली हीरो रोता रहता है और नकली हीरो लाभ उठा लेता है। जी लाल बिहारी जी, जब आपके साथ ये हुआ तो ये 1976 की बात है और 18 साल आपको इसमें लग गए खुद को कागजों में जिंदा करने के लिए, इतना वक्त आपको लगा, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है या थोड़ा सा आसान हो गया है? नहीं नहीं, कोई आसान नहीं, वो तो और उसके लिए मुश्किल हो गया है, मैं तो किसी तरह से लड़ लिया, हर आदमी लड़ नहीं पाएगा, हर आदमी या तो आत्महत्या कर लेगा, डूब कर कहीं मर जाएगा, या तो संघर्ष छोड़कर अपने घर बैठ जाएगा, और कोई लड़ नहीं पाएगा, इतना कौन खेलेगा, इतनी लड़ाई लंबी कौन लड़ेगा, इसके पास कितने है
बेवस कहां से, पैसा कहां से आएगा, कैसे रहेगा। एक तो आदमी दुखी रहता है, चिंतित रहता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है। तो ये समझ जाए, मेरा तो मानना है कि जो आदमी अपराध में जाता है तो उसकी मजबूरी भी हो जाती है कहीं कि उसको तो यही है, अब आदमी क्या करेगा, आत्महत्या कर लेगा, ये भी आत्महत्या करना भी तो अपराध है। कि आपको जितना वक्त लगा और जितना मुश्किल आपके लिए था, आज भी चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, उतनी ही मुश्किल है। लाल बिहारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भृगु, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हालांकि हम आपसे आज बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन आपने हमें जो तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।